कुंडली बॉर्डर ते मौजूद हाँ। तो इस वेले रात का समय करीब 8 बजन लगे ने। सो तस्वीर विखाने थोनू किस तरह किसानों रोकने के लिए पुलिस वालों सरकार वालों बैरीकेडिंग की गई है। जे किसानों की गल की जाए तो हरियाणे तो पंजाब तो जिहड़ा भारी तादाद दे विच जिहड़े किसान ने वह कृषि बिलों नू लैके प्रदर्शन करन दे लई देश की राजधानी दिल्ली पहुँचे ने। उस दे चलदे केंद्र सरकार वालों जिहड़े पुख्ता प्रबंध हरियाणा पुलिस होवे दिल्ली पुलिस होवे BSF दे जवान होण CISF दे जवान होण तुसीं वेख पा रहे हो काफ़ी दूर जिहड़े सामने दिल्ली आपका स्वागत करता है वह बोर्ड लग्या होया। पर इस तों पहलां दिखाउंदे आ कि किसानां दा स्वागत है वह पुलिस किस तरह करेगी। वेख पा रहे हो तुसीं बेशक रात हो चुकी है पर जिहड़े जवान ने वो इस वेले मौजूद ने क्योंकि किसानों का जिहड़ा जथा है वह लगातार लेडी जिहड़े फोर्स है वह भी मौजूद है। तुसीं वेख पा रहे हो तैयार बर तैयार ने क्योंकि किसान ने वो बड़ी तेजी दे नाल देश की राजधानी वल वध रहे ने। यह कुंडली बॉर्डर दीआं तस्वीरां ने हर तरह का जिहड़ा हथकंडे ने वो किसानों नूं रोकण दे लई जिहड़ी सरकार वल्लों अपनाए जा रहे ने। बिल्कुल अज सारा दिन की जे गल की जाए तो लोग बेहद परेशान होए ने। किसान देर नाल पहुँचणगे सवेरे पहुँचणगे कदों पहुँचणगे ये हजे वेखने योग होगा। पर सब तो वड्डी गल है जिहड़े रोज़मर्रा च लोग ने वो सब तो वध जिहड़े हैरान होए ने। एक तस्वीर कैमरामैन नूं कहूँगा जिहड़ियां इधर विखाउण की कोशिश करदे आ। यह दिल्ली तो अंबाला जाण वाला रस्ता है। विस्तारपूर्वक हर गल समझाउण की कोशिश करदे आ। चेतावनी जरूर लिख के लाई गई है पर एक चीज़ दर्शकों नूं दसदे आ। ये तुसीं वेख पा रहे हो ट्रक लगाए हुए उन्हें रोड दे विच। अगर कोई भी ट्राली गुजरन तो पहला यह ट्रक रस्ते च लगा दिते जाणगे। मिट्टी रोड़िया ना पत्थरां ना भरे हुए लोडर्स ने ते वेख पा रहे हो भारी मात्रा दे विच पिछे तक जिहड़े ट्रक ने वो इस वेले इत्थे मौजूद ने। यह पत्थर लिया के रोड दे विच लगाए गए ने तां कि जिहड़ा किसान जी हाँ सब तो वड्डी त्रासदी आ अपने दर्शकों नूं दस देना चाहुंदा जिहड़ा जय जवान अते जय किसान दा जिहड़ा नारा सीगा वो किसे वेले देश विच लगाया गया सी। पर अज किसान अते जवान बिल्कुल आमणो सामने ने। सब तो वड्डी गल है कि किसान ते जवान इस वेले बिल्कुल आमणो सामने ने। तस्वीरां ने ए मेरे देश दी राजधानी दी तस्वीरां ने जित्थों देश दा अन्नता दा अन्नदाता अपना प्रदर्शन अपना हक अपना रोस जताउण दे लई दिल्ली पहुँचण दी कोशिश दे विच जद्दोजहद कर रहा उत्थे ही उन्हां द्वारा चुनी हुई सरकार वल्लों ही उन्हां ते तशद्दुद धोण दी तैयारी तैयार बर तैयार है। तस्वीरां BSF CISF दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस होर तस्वीरां विखाउने आ तुहानू किस तरह कंडियाली तारां टिप्पर इस वेले मौजूद ने। वेखो तुसीं कि किस तरह जिहड़ी तैयारी है ये की गई है। जी हाँ देश का जवान अते देश का किसान बिल्कुल आमणो सामने हो सकते हैं क्योंकि जय जवान अते जय किसान का नारा मैं पहला भी रिपीट कर चुके हैं। पर यह वड्डी गल है तो वड्डी त्रासदी है। पिछे जवानों का जिहड़ा जमावड़ा वह लग्या होया सी और टिप्पर इस साइड भी जिहड़े ने वो खड़े किए गए ने। अग्गों दिखाउण की कोशिश करदे आ कैमरामैन नूं कहूँगा एक बार जिहड़ियां इह तस्वीरां विखाइया जाण किस तरह जिहड़े जवान ने वो लाइनअप ने इधरों विखाउने आ पिछों जाके कि किस तरह की जिहड़ी तैयारी है। अगर अंबाला वाले पासे आउंदी तां कंडा तार वेख पा रहे हो तुसीं कि इह कंडा तार है जिहड़ी कि किसानां नूं रोकण दे लई और पूरा मीडिया की कवरेज भी रही है। और सब तो वड्डी गल है जवान हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस और उस तो बाद BSF CISF के जवान तैयार ने। पर किते ना किते जिहड़ा लोगों द्वारा चुनी सरकार का इस तरह का रवैया बेहद निंदण योग है। कैमरामैन नूं कहूँगा जिहड़ियां तस्वीर ने वो सामने तो विखाउण की कोशिश करदे आ तुहानूं किस तरह का जिहड़ा इस वेले का मंजर है वह है। रात के करीब 8 बज चुके ने पर जिहड़े वह किसान ने वो लगातार जिहड़ा दिल्ली दे वल वधना उन्हां दा जारी है। किसे ने जिद अपनी जिद ते अपने हक लैण दे लई जिहड़े किसान ने वो अड़े होए ने। पर सरकार उन्हां तों वी वध अड़िया रवैया इख्तियार करिया होया लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार दा। वेख पा रहे हो तुसीं किस तरह अपने लोगों नूं अपने देश की राजधानी विच आउण तों रोकिया जाणा पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ करीब 250-300 किलोमीटर का सफ़र तय करके या पंजाब दे उस कोने अमृतसर तों आना होवे तां लगभग 500-550 किलोमीटर का सफ़र तय करके जिहड़े किसान ने वो देश की राजधानी आउणगे। जी हाँ अपनी देश की राजधानी करीब 500-550 किलोमीटर का सफ़र वह भी पीसफुल प्रोटेस्ट और इस तरह का स्वागत होवे वड्डे सवाल खड़े हुंदा है। इस तरफ तो तुहानूं विखाउने आ कैमरामैन नूं कहूँगा जी हाँ दिन दे विच ये जिहड़ी मशीन है इस द्वारा जिहड़े पत्थर ने ये लगाए गए सी कई किलोमीटर तक जिहड़ा जाम है। किलोमीटर की गल ना की जाए तो पूरी दिल्ली इस वेले जाम दे नाल ग्रस्त है क्योंकि हर पासे जिहड़ा किसानां दी आहट सुनाई दिंदी है। लोग
होर रस्ते इधर उधर पर प्रशासन इस वेले जिहड़ी स्थिति नूं काबू करन दे विच नाकाम है। सिर्फ किसानां नूं दिल्ली दे विच एंटर होण तों रोकण लई ही सारे हथकंडे ने जिहड़े इख्तियार कीते होए ने। इस तों इलावा जे ट्रैफिक या होर कोई सुविधावे दी गल होवे तां उह बिल्कुल ना मात्र ने, लोगां नूं कोई परेशानी ना आवे, ठीक है। और इस तों इलावा होर तरह तरह दियां हज़ारां तरह दियां देख पा रहे हो तुसीं फोर्स बिल्कुल तत्पर और देख पा रहे हो हर तरह के जिहड़े नजिठण लई स्थिति नूं। और इधर भी गलबात करन दी कोशिश करदे आ देख पा रहे हो दूसरी तरफ, और कैमरामैन नूं कहूँगा जिहड़ियां तस्वीरां इस तरह दी इधर दियां दिखाईआं जाण कि हजे भी हालांकि कई घंटे हो गए इस जाम कीते हुए पर हजे तक जिहड़ा जाम है वह लग्या होया। ये लोग ये गड्डियां ट्रक लैके अपने सफ़र वल निकले सी पर यह पहुँच नहीं पाए क्योंकि सरकार वालों इन्हां नूं इत्थे ही रोक दिता गया। ये दिल्ली दे कुंडली बॉर्डर दियां तस्वीरां वेख पा रहे हो तुसीं, इस तरह दे जिहड़े स्थिति तनावपूर्ण हालात ने। और जिहड़ी सरकार है वह गलबात बिल्कुल 3 दिसंबर का समा दिता गया गलबात करन दा, पर उस तो पहलां जिहड़ी टेबल टॉक की गल है पर कितें ना कितें किसानां वल्लों दित्ती कॉल जिहड़ी किसानां वल्लों जिहड़ी दित्ती कॉल है वह पर उस ते बजट ने ते 26-27 तरीक नूं दिल्ली दी देश की राजधानी दे विच उन्हां दा धरना देण दा जिहड़ा संकल्प सी उस दे तहत पहुंचे ने। लोगों नाल गलबात करदे आ क्योंकि लोग बहुत परेशान होए ने अज दे दिन, क्योंकि जे देखा जावे शुरू तो लैके अखीर तक आम व्यक्ति कित्थों आए हो जी? दिल्ली से। पैदल चल रहे हो जी? हाँ, पैदल ही जाना पड़ रहा हर व्यक्ति नूं। जे गल कीती जावे ये लोग ने ये गड्डी खड़ी है इन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करदे आ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਜੀ, ਪੀਰਾਗੜੀ ਛੱਡਣਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪੀਰਾਗੜੀ ਸਰ ਛੱਡਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਮ ਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਹੀ ਹੈਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੀਆ ਜਾ ਰਹਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੀਆ ਜਾ ਰਹਾ। ਆਪਕੋ ਲੋਕਲ ਹੋ ਆਪ ਯਾ ਪਿੱਛੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਾਂ ਸੇ? ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੰਦੇ ਆਪਕੇ? ਬੰਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਤ ਕੋ ਆਏਗਾ? ਸੁਬੇ? ਅਰੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਹਰ ਹਮਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ। ਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹਟਾਏਗੇ, ਤੋੜੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਕ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਾਂ ਕੌਣ ਸੇ, ਯਹਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗਾਡੀ?
रास्ता बंद होने की वजह से, किसान रैली की वजह से। अच्छा, हम आपके पास ही हैं इनकी? हाँ जी, पुलिस वालों कहा कि यहीं खड़ा कर लो। हाँ यही खड़ा, हम 11 बजे के दिन के फंसे हुए हैं। चाबियां आपके पास है? ले ली उन्होंने, चाबी हमारे पास ही है गाड़ियों की। क्या बोला और क्या बोला? खोलने का कोई चांस ही नहीं है। कब जाओगे? अब खड़े हैं, कब तक खोलते हैं, इंतजार कर रहे हैं सर गाड़ी में बैठ के। और क्या, ऐसे घूम रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो शादी वाली गड्डी है, बिल्कुल कल बात करने की कोशिश कर दे। व्याह तो पहुंचे ने भाई, शादी करके आए हो? हाँ जी सर। कहाँ से? हम यूपी से आए सर, नरेला जाना है पर जाने नहीं दिया जा रहा। कितनी देर से जाम में? सर 2 घंटे से, सारे रोज रास्ते देख लिए पर कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा। कहीं से नहीं, ना कोई कॉर्पोरेट कर रहा, कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद है। पीछे कल बात कर दे, आपको मालूम था कि रास्ता बंद है? नहीं, जब हम आए थे ओपन था। मैम इफ यू डोंट माइंड, आपको शादी याद रहेगी, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, पूरी दिल्ली बंद है। जी सर। देख पा रहे हो व्याह करके नमी दुल्हन गड्डी दे बेचे, चाहे देख पा रहे हो तस्वीरां डेली पोस्ट से दिखाई है, तो कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, व्याह वाली गड्डी है पर फिर भी देख पा रहे हो तुसी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली बंद है। पर जे किसानां दी गल कीती जावे, लगातार काफला दिल्ली दे वल वध रहा है, अते जे किसानां दी गल होवे तां ओह उहनां दा कहना है कि ओह दिल्ली आके रहणगे अते मोदी नूं चुका के रहणगे। कैमरामैन टोनी दे नाल गगन शुक्ला, डेली पोस्ट पंजाबी, दिल्ली। दिल्ली के कुंडली बॉर्डर ते मौजूद हाँ, तो इस वेले रात का समय करीब 8 बजन लगे ने। सो तस्वीर विखाने थोनू किस तरह किसानों नू रोकण दे लई पुलिस वालों सरकार वालों बैरीकेडिंग की गई है। जे किसानों की गल की जाए तो हरियाणे तो पंजाब तो जिहड़ा भारी तादाद दे विच जिहड़े किसान ने वो कृषि बिलों नू लैके प्रदर्शन करन दे लई देश की राजधानी दिल्ली पहुँचे ने। उस दे चलदे केंद्र सरकार वालों जिहड़े पुख्ता प्रबंध, हरियाणा पुलिस होवे, दिल्ली पुलिस होवे, BSF दे जवान होण, CISF दे जवान होण, तुसीं वेख पा रहे हो काफ़ी दूर जिहड़े सामने दिल्ली आपका स्वागत करता है वो बोर्ड लग्या होया। पर इस तो पहलां दिखाउंदे आ कि किसानां दा स्वागत है वो पुलिस किस तरह करेगी। वेख पा रहे हो तुसीं, बेशक रात हो चुकी है पर जिहड़े जवान ने वो इस वेले मौजूद ने, क्योंकि किसानों का जिहड़ा जथा है वो लगातार लेडी जिहड़े फोर्स है वो भी मौजूद है। तुसीं वेख पा रहे हो तैयार बर तैयार ने, क्योंकि किसान ने वो बड़ी तेजी दे नाल देश की राजधानी वल वध रहे ने। यह कुंडली बॉर्डर दीआं तस्वीरां ने, हर तरह का जिहड़ा हथकंडे ने वो किसानों नूं रोकण दे लई जिहड़ी सरकार वल्लों अपनाए जा रहे ने। बिल्कुल अज सारा दिन की जे गल की जाए तो लोग बेहद परेशान होए ने, किसान देर नाल पहुँचणगे, सवेरे पहुँचणगे, कदों पहुँचणगे ਇਹ ਹਜੇ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਡਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਧੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ BSF, CISF, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਟਿੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਖ ਔਰ ਟਿੱਪਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਅਪ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ
एक कंडा तार है जिहड़ी कि किसानां नूं रोकण दे लई और पूरा मीडिया की कवरेज भी रही है और सब तो वड्डी गल है जवान हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस और उस तो बाद BSF CISF दे जवान तैयार ने पर किते ना किते जिहड़ा लोगों द्वारा चुनी सरकार का इस तरह का रवैया बेहद निंदण योग है। कैमरामैन नूं कहूँगा जिहड़ियां तस्वीर ने वो सामने तो विखाउण की कोशिश कर रहे हैं तुहानूं किस तरह का जिहड़ा इस वेले का मंजर है वो है। रात के करीब 8 बज चुके ने पर जिहड़े वो किसान ने वो लगातार जिहड़ा दिल्ली दे वल वधना उन्हां दा जारी है किसी जिद अपनी जिद ते अपने हक लैण दे लई जिहड़े किसान ने वो अड़े होए ने पर सरकार उन्हां तों वी वध अड़िया रवैया इख्तियार करिया होया लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार दा। वेख पा रहे हो तुसीं किस तरह अपने लोगों नूं अपने देश की राजधानी विच आउण तों रोकिया जाणा पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिहां करीब 250-300 किलोमीटर का सफ़र तय करके या पंजाब दे उस कोने अमृतसर तों आना होवे तां लगभग 500-550 किलोमीटर का सफ़र तय करके जिहड़े किसान ने वो देश की राजधानी आउणगे। जी हाँ अपनी देश की राजधानी करीब 500-550 किलोमीटर का सफ़र वह भी पीसफुल प्रोटेस्ट और इस तरह का स्वागत होवे वड्डे सवाल खड़े होंदे इस तरफ तो तुहानूं विखाउने आ कैमरामैन नूं कहूँगा। जी हाँ दिन दे विच ये जिहड़ी मशीन है इस द्वारा जिहड़े पत्थर ने ये लगाए गए सी कई किलोमीटर तक जिहड़ा जाम है किलोमीटर की गल ना की जाए तो पूरी दिल्ली इस वेले जाम दे नाल ग्रस्त है क्योंकि हर पासे जिहड़ा किसानां दी आहट सुनाई दिंदी है लोग होर रस्ते इधर उधर पर प्रशासन इस वेले जिहड़ी स्थिति नूं काबू करन दे विच नाकाम है सिर्फ किसानां नूं दिल्ली दे विच एंटर होण तों रोकण लई ही सारे हथकंडे ने जेरे जिहड़े इख्तियार किए हुए ने। इस तों इलावा जे ट्रैफिक या होर कोई सुविधा दी गल होवे तां उह बिल्कुल ना मात्र ने लोगों नूं कोई परेशानी ना आवे ठीक है और इस तों इलावा होर तरह तरह दियां हज़ारां तरह दियां देख पा रहे हो तुसीं फोर्स बिल्कुल तत्पर और देख पा रहे हो हर तरह के जिहड़े नजिठण लई स्थिति नूं और इधर भी गलबात करन दी कोशिश करदे आ देख पा रहे हो दूसरी तरफ और कैमरामैन नूं कहूँगा जिहड़ियां तस्वीरां इस तरह दी इधर दियां दिखाईआं जाण कि हजे भी हालांकि कई घंटे हो गए इस जाम किए हुए पर हजे तक जिहड़ा जाम है वह लग्या होया है। ये लोग गड्डियां ट्रक लैके अपने सफ़र वाल निकले सी पर ये पहुँच नहीं पाए क्योंकि सरकार वालों इन्हां नूं इत्थे ही रोक दिता गया है। ये दिल्ली के कुंडली बॉर्डर दियां तस्वीरां वेख पा रहे हो तुसीं इस तरह के जिहड़े स्थिति तनावपूर्ण हालात ने और जिहड़ी सरकार है वह गलबात बिल्कुल 3 दिसंबर का समा दिता गया है गलबात करन दा पर उस तो पहला जिहड़ी टेबल टॉक की गल है पर कितने ना कितने किसानों वालों दित्ती कॉल जिहड़ी किसानों वालों जिहड़ी दित्ती कॉल है वह पर उस ते बजट ने 26-27 तरीक नूं दिल्ली की देश की राजधानी दे विच उन्हां दा धरना देण दा जिहड़ा संकल्प सी उस दे तहत पहुंचे ने। लोगों नाल गलबात करदे आ क्योंकि लोग बहुत परेशान होए ने अज दे दिन क्योंकि जे देखा जाए शुरू तो लैके अखीर तक आम व्यक्ति कित्थों आए हो जी दिल्ली से पैदल चल रहे हो जी हाँ पैदल ही जाना पड़ रहा हर व्यक्ति नूं जे गल की जाए ये लोग ने यह गड्डी खड़ी है इन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करदे आ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇ ਜੀ ਪੀਰਾਗੜੀ ਛੱਡਣਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਪੈਸੰਜਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੀਰਾਗੜੀ ਸਰ ਛੱਡਣੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਆਪਕੋ ਲੋਕਲ ਹੋ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
कि कईयां दी जिहड़ी फ्लाइट है वह मिस हो चुकी है। कई व्यक्ति है जिहड़े नवा विआह करके भी रस्ते दे विच ही बैठे ने ते अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। फिर भी देखो तुसीं किस तरह जिहड़े लोग ने थोड़े आदी हो गए ने, अपना अपना रूट बदल लिया, हर एक बंदे ने गड्डियां साइड ते ला के खड़े हो गए ने, पर किते ना किते जिहड़ा सरकार वल्लों रूट डाइवर्ट करन या होर पुख्ता इंतजाम करन दे विच नाकामयाब रही आ। सारा जोर किसानां नूं रोकण ते, चाहे वह हरियाणे की खट्टर सरकार होवे, चाहे वह केंद्र की मोदी सरकार होवे, सारा जोर और गलबात कर लैंदे आ जी। हाँ, सारा जोर केंद्र ने जिहड़ा किसानां नूं रोकण ते लगाया। हाँ जी, की कहना चाहुंदे हो भाई साहब? बिल्कुल दिल्ली पहुँचेंगे। कहाँ पहुँच गए बंदे आपके? बंदे पानीपत पर क्रॉस कर ली। रात को आएंगे या सुबह? अरे सुबह तो पहुँच जाएंगे जी। हाँ, हर हालत में किसान कहते हैं कि पहुँचेंगे, बंदे पानीपत क्रॉस कर गए जी। हाँ, बड़ा दृढ़ इरादा है, क्योंकि मैं पहला भी गल कही सी, कंवर गरेवाल का एक शेर है कि दिल्ली तेरा कट है, तेनों बिल्कुल परेशान करूँगा। पूरी दिल्ली इस वेले परेशान है, किसान पिछे ने, पर उन्हां दी आहट दे नाल चाहे वह सरकार होवे, चाहे वह दिल्ली की पब्लिक होवे, वह कंब रही है, क्योंकि पूरी दिल्ली परेशान है। हर जगह ब्लॉकेज है, हर हमारी सिक्योरिटी से भी तेज है, हमारी स्कॉर्टिंग से भी तेज है। मोदी को झुकना ही पड़ेगा। कैसे, क्या इंतजाम कर रखा है? सारे हटाएंगे, तोड़ेंगे, सारे बैरिकेडर तोड़ के दिल्ली पहुंचांगे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू झुकना ही पड़ेगा। इस तरह के इन्हों किसानों के बुजुर्ग जरूर ने, पर जड़े हौसले बेहद बुलंद बुलंद ने, ड्राइवर ने, इन्हों गड्डियां इत्थे खड़ी हैं। कहाँ से आए हो भाई? सर मैं पंजाब विभाग से आया हूँ। पंजाब से? पंजाब विभाग से। अच्छा, कहाँ, कौन से, यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी है? फिर क्यों खड़ी है भाई गाड़ी? रास्ता बंद होने की वजह से, किसान रैली की वजह से। अच्छा, हम आपके पास ही हैं इनकी? हाँ जी, पुलिस वालों कहा कि यहीं खड़ा कर लो। हाँ यहीं खड़ा, हम 11 बजे के दिन के फंसे हुए हैं। चाबियां आपके पास है? ले ली उन्होंने? चाबी हमारे पास ही है गाड़ी होगी। क्या बोला और क्या बोला? खोलने का कोई चांस ही नहीं है। कब जाओगे? अब खड़े हैं, कब तक खोलते हैं? इंतजार कर रहे हैं सर गाड़ी में बैठ के, और क्या, ऐसे घूम रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो शादी वाली गड्डी है, बिल्कुल गलबात करने की कोशिश करते हैं। व्याह तो पहुंचे ने भाई, शादी करके आए हो? हाँ जी सर। कहाँ से? हम यूपी से आए सर, नरेला जाना है, पर जाने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, कितनी देर से जाम में हो? सर 2 घंटे से, सारे रोज रास्ते देख लिए पर कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा। कहीं से नहीं, ना कोई कॉर्पोरेट कर रहा, कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद है। पीछे गलबात करते हैं, कहाँ आप, आपको मालूम था कि रास्ता बंद है? नहीं, जब हम आए थे ओपन था। मैम इफ यू डोंट माइंड, आपको शादी याद रहेगी, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, पूरी दिल्ली बंद है। जी सर। देख पा रहे हो व्याह करके नमी दुल्हन गड्डी दे विच है, चाहे देख पा रहे हो तस्वीर डेली पोस्ट से दिखाई है तुहानू, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, व्याह वाली गड्डी है, पर फिर भी देख पा रहे हो तुसी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली बंद है। पर जे किसानां दी गल कीती जावे, लगातार काफिला दिल्ली दे वल वध रहा है, अते जे किसानां दी गल होवे तां ओह उहनां दा कहना है कि वह दिल्ली आके रहणगे अते मोदी नूं चुका के रहणगे। कैमरामैन टोनी दिनाल, गगन शुक्ला, डेली पोस्ट पंजाबी, दिल्ली। दिल्ली दे कुंडली बॉर्डर ते मौजूद हां ते इस वेले रात दा समय करीब 8